फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला प्लांट है। इसे आप अपने घर में, ऑफिस में और जहाँ भी आप समझते हैं वास्तु के हिसाब से भी इसको आप जरूर लगाएं। अगर मेरे व्यूअर्स बिगनर हैं, अगर वो बोनसाई के शौकीन हैं, तो इसका बोनसाई बहुत ही बेस्ट बनता है। और ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी और बहुत इजी टू ग्रो है। अगर आप एक टहनी कहीं से लेके आते हैं, ये मेरे पास जो है मेरा मदर प्लांट को काफ़ी मोटे तने हो चुके हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो उसमें से अगर आप एक टहनी और एक पत्ते से भी आप इसको ग्रो करते हैं तो बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर लगाएं क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। आप अपने ऑफिस में, घर में, इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। अब मैं आपको इसको इन छोटी छोटी बॉल्स में लगाना बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे ये ग्रो करता है और किस तरह इसकी ग्रोथ होती है बहुत जल्दी। और इसको सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी लीव्स अगर आप देखें तो ये जल से भरी हुई होती है क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है। हमारे एलोवेरा की तरह इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये बोनसाई बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अब मैं आपको यहाँ से अपने मदर प्लांट से निकाल के मैं इन बॉल्स में, और मेरे बहुत से प्लांट्स बने हुए हैं और मैं अब इनको देखती रहती हूँ क्योंकि ये बहुत, हमारे यहाँ तो इसको बहुत ही लक्की मानने लगे हैं। करसुल्ला, ये जेड प्लांट और तुलसी, ये सभी एक लक्की प्लांट है हमारे घरों के लिए, ऑफिस के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। इसको मैं टहनी से भी काट के ग्रो करूंगी और वैसे भी मैं इनकी रूट्स निकाल भी लूंगी। मैंने ये प्लांट्स निकाल लिए हैं और टहनी भी काट ली हैं। तो अब मैं इन बॉल्स में लगाऊंगी और उसके बाद कि मैं बताऊंगी कि इसको कैसी सॉयल चाहिए और इसको कैसा पानी देना चाहिए ताकि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करे। और ये आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद, एक साल के बाद, ये आपके पास इतना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा ये आपके पास। तो अब हम शुरू करते हैं इसको लगाना। फ्रेंड्स, जब भी आप करसुला या लक्की ये जेड प्लांट अगर आप छोटे इन पॉट्स में लगाते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, छोटे छोटे पॉट्स में, क्योंकि आप इनको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं। और ये देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा, अगर टेबल पे पड़ा है या अपने फ्रिज पे पड़ा है, सेंटर टेबल पे भी पड़ा है, तो ये इसकी ग्रोथ के हिसाब से आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा लुक देता है, जैसे एक छोटा सा वृक्ष होता है। ये बोनसाई के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए जो हम सॉयल यूज़ करेंगे ताकि इस प्लांट्स को हमें अच्छी इनको ग्रोथ मिले, अच्छी इनको एनर्जी मिले, तो उसके लिए मैंने गार्डन सॉयल, आम जो सॉयल होती है वो सॉयल लिया। उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग 2020 के हिसाब से यूज़ किया, मिक्स कर लिया मैंने सभी प्लांट्स के लिए। और मैं ऐसे क्ले की छोटे छोटे बर्तन में भी लगाऊंगी। इसमें मैंने होल किया ताकि इसको वायर मैं ऊपर करके और इसको बांध दूंगी और बाद में मैं इसकी कटिंग करूंगी कि मैं कोई भी शेप ले सकती हूँ। और इसके साथ अगर आप चाहें तो 2020 के हिसाब से, रेशो के हिसाब से, आप एक एक दो दो दाने इस छोटे छोटे पॉट्स में डाल सकते हैं। ये 90-90-90 है और आप 20-20-20 का भी आप इसी रेशो से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट्स को, जेड प्लांट्स को ग्रोथ मिले। और इसी तरह आप करसुला, अब मैं आपको, चलिए मैं आपको लगाना बताती हूँ। वैसे मैंने लगा भी बहुत से प्लांट्स में, मैंने अपने मदर प्लांट से काट काट के, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप छोटी सी एक टहनी से भी अगर आप काट के दिखा लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। फिर मैं आपके साथ वाटरिंग भी स्कीम की शेयर करूँगी कि हमने कैसा वाटर देना है। इसको आप, जैसे ये ग्रेवल है, ये आप जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ से आप इसको बजरी, हमारे यहाँ बजरी बोलते हैं, आपके यहाँ ग्रेवल या जो भी कुछ बोलते हैं, आप ये छोटे छोटे पत्थर ले आए, इनको आप पोट की स्तह में रख दें, छोटे पोट की स्तह में रख दें ताकि अगर हमारा वाटर अगर ज़्यादा होता है, इनमें मैंने होल नहीं किया। एक इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इन छोटे प्लांटरों में होल नहीं किया है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी वैसे तो रहता नहीं है क्यों, पोट बहुत छोटे हैं, अगर रहता है तो ग्रेवल के नीचे से ये रूट्स अपना पानी ले लेंगी और हमारी जो रूट्स है वो गलेंगी नहीं,
मैं अब आपको लगाना दिखाती हूँ कि आपने कैसे इनको छोटे प्लांटर में लगाना है ताकि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी हो। इसको आप ऐसे करके ले लें आप। जो ये जेड प्लांट है मैंने तकरीबन सभी मेरे जो वेस्ट चीजें पड़ी थी उनमें भी मैंने लगा दिया है। आप देखेंगे कि इनकी रूट बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा बनती है। अगर हम बोनसाई लगाते हैं तो इन रूट्स को काट देंगे और इन छोटे छोटे क्ले के पॉट में और या इन्हीं छोटे छोटे प्लांटरों में लगा देंगे। तो इसको हम ऐसे करके लगाएंगे और जो हमारी ये 20-20 की रेशो है वो हम रखेंगे एक या दो दाने, बस छोटे अगर हैं तो दो दाने, वरना एक दाने के हिसाब से इनमें डाल देंगे। आप इनमें चाहो तो बोन मील भी डाल सकते हैं, मैंने उसका भी रिजल्ट देखा है, बोन मील का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और काउडंग और वर्मी कंपोस्ट और 20-20 का रेशो अगर डालते हैं वो भी हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इन प्लांटरों में लगाया हुआ है और उनकी ग्रोथ कैसे अच्छी हुई है। फ्रेंड्स ये आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे प्लांटरों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और अब मैं इनको कटिंग करके और वायर लगा के बोनसाई बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन्होंने कैसी रूट्स बनाई हुई है, बिल्कुल एक जैसे हमारे यहाँ बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर तक फैल जाती हैं और काफ़ी लंबी तक चली जाती हैं। तो ऐसे इनकी शेप बनी हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है। अब हम इसको कैसे वाटरिंग करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, अगर आपके यहाँ अगर आपने जेड प्लांट लगाया और उनकी लीव सूख रही हैं, वैसे मेरे यहाँ किसी भी छोटे पॉट में भी लगाए हुए प्लांटर में लीव सूखी नहीं है। मैं अगर आपको दिखाती हूँ कोई, चलो ये वाला देख लेते हैं, तो इसमें कोई कोई लीव्स अगर सूखी हुई है तो उसका ये कारण है कि आप वैसे ये सूखी हुई नहीं है, अगर सूख जाती हैं जेड प्लांट की तो आप इनको पानी बहुत अच्छा पानी दें। उसके लिए आप जो क्ले का बर्तन लेते हैं, जो आप क्ले का बर्तन लेते हैं उसके लिए आप पानी कैसे दें वो भी मैं बहुत ही ईजीली तरीका बताऊँगी। आप ये क्ले वाला बर्तन लें और इस तरह से कोई बहुत ही खुला बर्तन लें ताकि हमारा जो प्लांट है उसको नुकसान ना पहुंचे, और कुछ टाइम के लिए उसको रख दें। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बबल से बनने शुरू हो गए हैं, ताकि हमारी जो ये हमारी सोयल है बिल्कुल सूखी है, ये आप देख रहे हैं बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और जब ये गीला हो जाएगा तो इसकी रूट्स को वाटरिंग होगी, पानी पहुंचेगा, तो ये अपने आप नेचुरली तरीके से जो ये इसकी लीव्स हैं वो जेल से भर जाएंगी। कभी भी आप इनको इतना खुश्क भी मत रखें कि इनकी जो लीव्स हैं वो सूख जाएं। अब ऐसे मैं जितने भी मेरे क्ले वाले जेड प्लांट हैं, ये है, ये मेरा बहुत ही पुराना, आप देख रहे हैं बहुत ही पुराने लगे हुए हैं, तो इनको मैं ऐसे ही वाटरिंग देती हूँ। ये आप देख रहे हैं कितना टाइम हो गया, इसके बबल्स अभी भी बनने शुरू खत्म नहीं हुए हैं, ताकि इसकी ये पता लगता है कि इसकी सॉइल नीचे से बिल्कुल सूखी हुई है, खुश्क है। तो ऐसे करके आप पानी दें, बाकी आप जो ये छोटे छोटे प्लांटर हैं इनमें भी आप पानी दें। पानी का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको खड़ा कर दें, ड्रेनिंग सिस्टम का ये मतलब होता है कि हमारा पानी रुका ना रहे, हमारी रूट्स कम से कम नमी लेती रहे, मॉइस्चराइज लेती रहे, तभी इनमें डेवलपमेंट होगी। मैं बोल म
मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये जेड प्लांट मैं बार बार बता रही हूँ, जेड प्लांट एक लक्की प्लांट है। आप इसको लगा के अपने ऑफिस में, गार्डन, ये घर में किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत ही लक्की शुभ प्लांट है, इसे आप ज़रूर लगाएँ और मेरी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।